गारंटी यू गोना शॉक कि 10 रुपए का ये ट्यूब आपकी बहुत ही फेवरेट सी ज्वेलरी को बना सकती है एकदम शाइनी, एकदम टर्निश फ्री। हाय गाइस, मैं हूं रेनी, वेलकम एंड वेलकम बैक। मेरी बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो कि बहुत ज़्यादा रस्ट हो गई थी उसमें या फिर उसका चमक चला गया था। बट मैंने मेरी फेवरेट ज्वेलरी को फिर से रिकवर कर लिया है, टर्न फ्री कर लिया है। बट कैसे किया है वो सारी चीज़ मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। वैसे इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं कैसे मेरी ज्वेलरी को प्रिवेंट करती हूँ ताकि इसमें रस्ट पड़े ही ना, ताकि इसका शाइन जाए ही ना। बट वो प्रिवेंशन अप्लाई करने से पहले ही जो कुछ ज्वेलरी मेरी ख़राब हो चुकी थी उसको मैंने कैसे शाइन किया वो मैं दिखाऊंगी। तो चलिए जल्दी स्टार्ट कर दे वीडियो, आई एम श्योर यू गोना बी शॉक्ड, लेट्स गो। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मेरी ज्वेलरी का हाल कैसा था। ये है वो इयर रिंग, अब देख सकते हो कि रस्ट आ गया है पूरा और इसका शाइन भी चला गया है। और इसके साथ मैं दिखाती हूँ मेरी दो नेक पीस जो कि गोल्डन में है बट इसके ऊपर थोड़ा सा काला काला सा ऐसा हो गया है, मतलब इसका रंग तो कुछ बहुत ही डल सा हो गया है। तो ये कुछ मेरे ज्वेलरी थे जो मैंने इसको यहाँ से बेटर वर्शन किया। तो कैसे किया, आपको बस चाहिए 10 रुपये का कोलगेट। जी हाँ, 10 रुपये का एक कोलगेट आपका ये सारी फेवरेट ज्वेलरी को एकदम चमचमा देगी। क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा कोलगेट लेके और एक ब्रश लेके आपकी ज्वेलरी के ऊपर लगा के उसको बस घिसना है कुछ देर। मैंने एक प्लेट ले लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा मेसी हो सकता है, तो इसलिए मैंने प्लेट के ऊपर ही इसको करूँगी। तो इसको लगा के अच्छे से घिसना है। तो मैं ये नेक पीस को पहले कर रही हूँ, सेम इसी की तरह मैं बाकी ज्वेलरी को भी ऐसे ही घिसूँगी। और इसको थोड़ा सा रब करने के बाद ब्रश से अच्छे से एकदम ऊपर नीचे जहाँ भी हो पूरा अच्छे से। आप थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि कोलगेट बहुत हार्ड सा लगता है। तो इसको घिसने के बाद आपको इसको थोड़ा रेस्टिंग के लिए रखना है, 10-15 मिनट इज़ एनफ। 10 मिनट रख लो रेस्टिंग में, फिर आप आके फिर से एक बार इसको ब्रश से घिसो। आपको थोड़ा सा काला काला भी आपके हाथों में आने का चांसेस है यहाँ पर, तो आपको फिर से थोड़ा सा घिस के इसको वॉश करना है। तो मिलते हो वॉशिंग के बाद। तो गाइज, आप मैं दिखा रही हूँ बिफोर एंड आफ्टर। ये देखो मेरी इयररिंग जो पहले कितनी ख़राब हालत थी और अब देखो, आप ट्राई करना, यू विल बी शॉक्ड। तो जल्दी जल्दी आप भी अपनी फेवरेट ज्वेलरी को चमका लीजिए, दिवाली आने वाली है उससे पहले जरूर चमका लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को और भी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो गाइस, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी, बाय।